और सुरक्षा बलों पर फायरिंग और आईईडी ब्लास्ट की घटना में संलिप्त 6 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सीआरपीएफ और थाना का संयुक्त बल ग्राम परला गट्टा पैनपल्ली की जंगली पहाड़ी की ओर रवाना हुए। इस दौरान कुछ नक्सली सुरक्षा बलों को देखकर भागने लगे, तभी 6 माओवादियों को दंतेवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह माओवादी सुरक्षा बलों पर फायरिंग और आईईडी ब्लास्ट की घटना में शामिल थे। आईईडी की चपेट में आने से सुरक्षा बल का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ था। माओवादियों के विरुद्ध थाना किरंदुल में मामला दर्ज किया है और रिमांड पर भेज दिया है। जिला दंतेवाड़ा में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सीआरपीएफ 231 की जी एवं ई कंपनी यंग प्लाटून एवं थाने का संयुक्त बल नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर ग्राम परला गट्टा एवं बैनपल्ली की तरफ नक्सलगत सर्च अभियान हेतु रवाना हुई थी। नक्सलगत सर्च के दौरान परला गट्टा के पहाड़ी जंगल के आसपास कुछ संदिग्ध नजर आए, जो कि सुरक्षा बलों को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें सुरक्षा बल के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया और पूछताछ करने पर